हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? अच्छे से होंगे? तो चलिए, आज हम पनीर से एक नई रेसिपी बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पर देखिए, पनीर ले लिए हैं और इसे बड़ा बड़ा पीस में हम काट लिए हैं। अगर आप चाहते हैं छोटा पीस तो छोटा भी करिएगा, लेकिन बड़ा रहता है इसमें ना तो अच्छा लगता है देखने में। तो यहाँ पर देखिए, हम बड़ा बड़ा पीस काट लिए हैं और पनीर को धो दिए हैं। धोना इसमें ज़रूरी है। और यहाँ पर कॉर्नफ्लोर ले लिए हैं और उसके ऊपर डाल दे रहे हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिए और इसको पूरा अच्छे से डाल दिए हैं। और ऊपर से ये लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च आता है ना, उसको हल्का सा पानी डाल के इसका घोल हम तैयार किए हैं और इसको ऊपर डाल दिए हैं। हल्का सा नमक भी डाल दिए हैं और ये सब डाल के इसको अच्छी तरह से निपा पोती कर लेना है, मतलब कि इसे अच्छा से मिला लेना है। तो यहाँ पर देखिए, नमक भी डाल दिए और इसको अच्छे से मिला लेते हैं। और हल्का सा गोल की पाउडर चाहिए तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं भी डाल सकते हैं तो चलेगा। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से इसका नीपा पोती करके इसको कलरफुल कर देना है और ये देखने में बहुत सुंदर लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, इसको इतना अच्छा से सजा दिए हैं और पनीर को, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से हम इसको तैयार कर रहे हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वैसे तो थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा क्या बना रहे, लेकिन फिर भी वीडियो को पूरा देखिएगा। और यहाँ पर देखिए, इस तरीके से हम तैयार कर लिए हैं। तब तक इसको तैयार करके और रखते हैं 10 मिनट के लिए, फिर इसके आगे क्या करना है चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर एक कढ़ाई लिए हैं, कढ़ाई में तेल डाल दिए हैं। यहाँ पर देखिए, कढ़ाई में तेल डाल के इसको चारों तरफ से फैलाएँगे, क्योंकि ये लोहा का कढ़ाई है ना तो चिपकेगा, तो इसको पहले चारों तरफ से चिकना कर लेंगे। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो उसमें उतना चिपकता नहीं है, तो इसीलिए आप उसमें बनाइएगा तो ऐसा ज़रूरत नहीं है, चिपकेगा ही नहीं। इसमें लोहा वाला कढ़ाई में चिपकता है, तो इसलिए हम तेल को इस तरीके से हम फैला देते हैं। और यहाँ पर देखिए, इस तरीके से फैलाते हुए तेल गर्म हो जाएगा, तो इसमें एक एक करके सारे पनीर को हम डालते जाएंगे और इसे ब्राउन कलर होने तक, एकदम सुनहरा कलर होने तक इसको अच्छी तरह से भूंज के और निकाल लेंगे। तो जब तक हम ये ऐसा करते हैं, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मेरे चैनल पर आपको डेली नए नए रेसिपी देखने को मिलेगा। आप इसी चैनल पर शॉर्ट्स वीडियो भी जाकर देखिए, और लॉन्ग वीडियो तो आप देखते ही हैं। लॉन्ग वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। एक वीडियो बनाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, आप लोग जो वीडियो बनाते हैं ना उनको पता है कितना मेहनत लगता है, तो इसलिए आप लोग इस मेहनत का फल जरूर दीजिए और वीडियो को पूरा से पूरा शेयर कीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, सारे पनीर को हम छान के निकाल लेते हैं, और एक्स्ट्रा तेल अगर उस तरह से करिएगा तो निकल जाता है। तो हम सारे यहाँ पर पनीर डाल के और निकाल दे रहे हैं। तो अभी इसी तरीके से बनाइएगा, अपने बच्चों को खिलाइएगा, होटल से लाने का ज़रूरत नहीं है। होटल में बहुत सारे अलग अलग टाइप का तेल डाल देते हैं, तो इससे अच्छा घर के फ्रेश तेल से बनाइए, रिफाइन का ज़रूरत नहीं है, तेल से भी बनता है। अगर आप रिफाइन से बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, पर तेल से बनाइएगा तो ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी होगा। तो यहाँ पर देखिए, लहसुन की कली पहले डाल दी है, लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में लेना है इसमें, और लहसुन को बीच चीरा करके और इस तरीके से इसको हम डाल दिए हैं। तो आप देख सकते हैं, लहसुन को सबसे पहले हम पका रहे हैं, और इसमें थोड़ा सा लहसुन ज़्यादा डलाता है। यहाँ पर लिए हैं अदरक, अदरक को लंबा लंबा पीस कर लिए हैं, इसको कुचलना नहीं है, इसे पीस में करना है। तो यहाँ पर लहसुन और अदरक इस तरीके से भून ले रहे हैं। इसके बाद इसमें हम डालेंगे प्याज, प्याज को भी आपको बड़ा बड़ा पीस में ही काटना है, छोटा पीस नहीं काटिएगा। तो यहाँ पर देखिए, एक एक पंखुड़ी इसको हम निकाल दिए हैं, और बड़ा पीस करके इसको चरखूट अगर बनाना चाहते हैं तो चरखूट काट लीजिएगा, तो ज़्यादा ही अच्छा लगेगा देखने में, लेकिन इसे पतला पीस नहीं करना है प्याज को। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके से इसको प्याज को भी हम भूंज लेते हैं। यहाँ पर लिए शिमला मिर्च, इसका भी चरखूट चकोर टाइप का हम काट लिए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारे सब्जी को हम अच्छी तरह से धो के काट लिए हैं। यही चीज़ अगर आप घर में बनाइएगा तो कम पैसा में बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा बन जाता है, लेकिन आप यही होटल से जाइएगा लाने बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, इसलिए कोशिश कीजिए घर में बनाने के लिए। तो यहाँ पर घर में बनाइएगा तो हेल्दी और टेस्टी दोनों हो जाता है। तो यहाँ पर गाजर भी हम लंबा पीस में लिए हैं, और इस तरीके से सारे सब्जी को हम डाल के और इसको अच्छा से पका लेते हैं। होटल में 1000 रुपया खर्चा करने से अच्छा है घर पर बनाइए, सबको खिलाइए। और यहाँ पर देखिए, हरा मिर्च भी डाल दिए लंबा लंबा करके, बीच में चीरा लगा दिए हैं,
तो इस तरीके से सारे सब्जी को हम हल्का पकाएंगे। ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, हल्का पकाना है। यहाँ पर नमक डाल दी है। नमक डालने से क्या होता है ना, जल्दी पकता है, जल्दी भुन जाता है। तो यहाँ पर देखिए सारे सब्जी को हम इस तरह से चलाते हुए इसको भूंज के तैयार कर लिए हैं। यहाँ पर लिए लाल, तो यहाँ पर देखिए काला मिर्च लिए हैं, काली मिर्च, और उसमें थोड़ा सा गरम मसाला कूट के हम डालें। इसमें कूटना है, पाउडर नहीं बनाना है, कूट के इसमें डालिएगा तो ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पर देखिए वो मसाला भी हम डाल दिए, काली मिर्च और गरम मसाला। तो इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना, भून लेना है। और यहाँ पर जो कॉर्नफ्लोर का जो हल्का फुल्का जो बचता है ना, और लाल मिर्च का जो बचा मसाला, वो सब में थोड़ा सा पानी डाल के और इसको इसमें हम डाल दिए, ताकि इसका ग्रेवी जो है ना बहुत अच्छा से तैयार हो जाएगा, गढ़ाते ग्रेवी हो जाएगा। और यहाँ पर लिखे टमाटो सॉस लिए, इसको हम इसमें डाल दिए। अगर आपके पास चिली सॉस है या अगर आपके पास सोया सॉस है तो उसे भी डाल दीजिएगा, उससे क्या होता है ना कलर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर सिर्फ मेरे पास टमाटो सॉस था, इसीलिए हम सिर्फ टमाटो सॉस डाले हैं। अगर आपके पास है दोनों सॉस तो डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम सॉस को डाल दिए हैं, और जो हम पनीर छान के निकाल के रखे हैं ना, उसको इसमें हम डाल के अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पनीर चिली बन के तैयार हो गया है। यही चीज़ अगर आप जितना बना है उतना अगर आपको लाना होगा तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है बाहर से होटल से लाने में, तो उसी पैसा से बचाइए, पैसों को बचाइए और घर में बना के खिलाइए। हेल्दी टेस्टी दोनों लगेगा, और बच्चों को अपनों खिलाइए, और ये तरीके से ज़रूर बना के खिलाइएगा। और ये तरीका आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। घर के सामानों से बहुत ही अच्छा से पनीर चिली बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये बन के तैयार हो गया है। तो हम आगे आपको निकाल के दिखाते हैं प्लेट में। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, आप घर पर बनाइए और कम सामान से बन जाता है, घर के सामानों से ही बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए हम प्लेट में निकाल रहे हैं, तो ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना। तो अपने बच्चों को खिलाइए, मेहमान को खिलाइए, होटल से जा कर पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, घर के सामान से बनाइए। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।